नमस्कार दोस्तों, अंजनी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं कोकोनट कुकीज, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, कोकोनट कुकीज बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप बटर, और बटर को मैंने फ्रिज से निकाल के थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था जिससे वो नॉर्मल हो जाए। हमें बटर को पिघलाना नहीं है गैस पे रख के, हमें सिर्फ उसको नॉर्मल करना है। मैंने होममेड सॉल्टेड बटर ले लिया है, मैंने इसे घर पे ही बनाया है और इसकी भी रेसिपी मैं जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसे ही बटर अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, हम इसे विस्कर से विस्क करेंगे, अच्छी तरीके से फेंटेंगे लगभग एक मिनट के लिए, जिससे ये सॉफ़्ट और फ्लफ़ी हो जाए और जो हमारी कुकीज़ बने बहुत ही फ्लफ़ी और सॉफ़्ट बने। तो देखिए दोस्तों, लगभग एक मिनट हो चुका है और मैंने बटर को अच्छी तरीके से विस्क किया है एक मिनट के लिए, और देखिए कितना बढ़िया ये फ्लफ़ी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल फ्लफ़ी है ये। और अब हम इसको, और हमें अभी इसे फेंटना है, लेकिन उसके पहले हमें इसमें डालना है आधा कप चीनी। मैंने आधा कप पीसी हुई चीनी ले रखी है और उसको हम इसमें डालेंगे, और इसे भी पूरे बटर में अच्छी तरीके से मिक्स करके लगभग पाँच मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेंटेंगे, जिससे एक बढ़िया सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हमें मिक्सचर हमें मिले और बहुत अच्छी हमारी कोकोनट कुकीज़ बनके तैयार हों। तो मैं अब लगभग इसे पाँच मिनट के लिए फेंटूंगी। तो देखिए दोस्तों, पिसी हुई चीनी डालने के बाद मैंने पूरे पाँच मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंटा है, और देखिए ये बिल्कुल फ्लफ़ी क्रीमी स्ट्रक्चर आ गया है इसमें, ऐसा लग रहा है हमने इसमें क्रीम डाली है। तो देखिए, अब ये फेंट दिया है हमने इसे, और इसको फेंटने के बाद जो कुकीज़ बनेंगी बहुत ही प्यारी सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगी। अब हम इसमें डालेंगे लगभग एक कप नारियल का बुरादा। मैंने एक कप पूरा नाप से लेके इसमें नारियल का बुरादा डाल दिया है, और अब इसी में हम डालेंगे लगभग एक कप मैदा। और मैदा डालने से पहले हम उसे छन्नी से छान देंगे अच्छी तरह से, जिससे मैदा जो है उसकी जो गंदगी वो भी निकल जाए। और जब हम मैदे को इस तरह डालते हैं और जब हम डो तैयार करते हैं, तो उस वक्त उसमें लम्स नहीं पड़ती हैं। और मैदा डालने के साथ ही हम इसमें लगभग एक चौथाई चम्मच नमक डाल लेंगे, लेकिन अगर आपने सॉल्टेड बटर मतलब नमक वाला बटर लिया है तो आप नमक थोड़ा कम ही डालें। और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे आधा टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, उसको भी डाल देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप इसमें खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं लगभग एक चौथाई चम्मच, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से छन्नी से छान के अपने मिक्सचर में डाल देंगे। हमने मिक्सचर में सारी चीज़ों को छान कर डाल दिया है, अब हम इसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से स्लोली स्लोली करना है और धीरे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों, सारी चीज़ों को मैंने हल्के हाथों से मिक्स कर दिया है, और देखिए अब हमें इस पूरी जो मिक्सचर हमने तैयार किया है इसका हमें डो बनाना है। तो मैंने सारी चीज़ें इतनी सही अमाउंट में डाली थी कि डो हल्का हल्का रेडी हो रहा है, देखिए। तो अब हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ दो से तीन टेबल स्पून तक मिल्क ऐड करना है, दूध। दो से तीन टेबल स्पून दूध ऐड करने से क्या होगा, जो डो है वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा। तो हम इसमें दो से तीन टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, और दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, और साथ ही साथ मिक्स भी करना है, जिससे अगर कम दूध लगे तो आप उतने में ही अपना डो तैयार कर लीजिए। बटर की वैरायटी अलग अलग होने की वजह से दूध का अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डो है वो बनके तैयार हो चुका है, और मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टेबल स्पून मिल्क ही ऐड किया है, क्योंकि मैंने होममेड बटर लिया था, अपने हाथों से बनाया था बटर, इस वजह से बटर में वैरायटी की वजह से मेरे सिर्फ एक टेबल स्पून मिल्क इसमें ऐड हुआ है। आपको जितना डो बनाने में लगे आप उतना देख लीजिए, और देखिए डो की जो कंसिस्टेंसी है और जो इसकी सॉफ्टनेस है इस तरह होनी चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना तो इससे ज़्यादा टाइट होना चाहिए। अब चलेंगे हम इनको कुकीज़ का आकार देने। तो दोस्तों, कुकीज़ बनाने के लिए हमने जो ये डो तैयार किया है उससे हम लेंगे एक छोटा सा हिस्सा,
और उसको हम कुकीज़ का आकार देंगे। पहले हम उसे राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमाएंगे और फिर उसके बाद उसको हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपको आकार देना है। आपको पूरे डो के जो जितने भी पेड़े हैं उनको सारे को इसी तरह का आकार दे के तैयार कर लेना है और फिर हम इसे कढ़ाई में पकाएंगे। और दोस्तों, जब तक हम सारे पेड़े तैयार करेंगे कुकीज़ के स्ट्रक्चर दे के, उसके पहले हम एक कढ़ाई में नमक डाल के उसको हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे प्री हीट होने के लिए, जिससे ये प्री हीट हो जाए और फिर इसके बाद हम इसमें अपनी कुकीज़ को रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो डो था उसकी कुकीज़ बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे अपने कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई में रखने से पहले हम इसमें थोड़ी सी कोटिंग करेंगे नारियल के बुरादे की, जिससे और भी स्वादिष्ट लगे। मैंने ये ले लिया है नारियल का बुरादा और इसमें हम अपनी जो कुकीज़ हैं उसकी एक साइड पे हम कुछ इस तरीके से बुरादे को लगा लेंगे, जिससे एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट हमें फ्लेवर आता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है जब ये पक जाती हैं। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े में जो हमने कुकीज़ तैयार की हैं उनमें अच्छी तरीके से नारियल लगा देंगे, नारियल का बुरादा। तो देखिए दोस्तों, कुकीज़ में नारियल का बुरादा लगाने के बाद मैंने उसको एक प्लेट में रख लिया है। प्लेट में मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया क्योंकि इस प्लेट को जाना है अब कढ़ाई के अंदर, जिसमें कुकीज़ तैयार होंगी। तो जब जो प्लेट हम कढ़ाई के अंदर रखेंगे उसमें एल्युमिनियम फॉइल लगा लेने से हीट सभी जगह अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाती है और कुकीज़ अच्छी तरीके से सारी जगह से पक जाती हैं। तो अब हम इस प्लेट को कढ़ाई के अंदर रखेंगे और उसके पहले हम कढ़ाई के अंदर रख लेंगे स्टैंड। तो देखिए दोस्तों, कढ़ाई को रखे हुए हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन खोलेंगे और इसमें रखेंगे स्टैंड, या आप कोई उल्टी करके कटोरी भी रख सकते हैं अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो। और अब हम इसमें अपनी प्लेट रख देंगे जिसमें हमने कुकीज़ को तैयार किया है। ये मैंने प्लेट को अच्छी तरीके से रख दिया है। अब हम ढक्कन को बंद कर देंगे और इसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट के लिए हमें इन्हें पकाना है और पकाते वक्त अपने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो अब हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो देखिए दोस्तों, लगभग 25 से 30 मिनट बाद लगभग ये जो हमारे जो कोकोनट कुकीज़ हैं वो पककर तैयार हो गई हैं। ये ऊपर से ज़्यादा इसलिए पकी नहीं दिख रही हैं क्योंकि ऊपर से आँच नहीं थी, नीचे से आँच लग रही थी, इस वजह से देखिए नीचे से अच्छी तरीके से पक गए हैं और ऊपर से बिल्कुल थोड़े थोड़े पके हुए हैं, बाकी ये अंदर से बिल्कुल पक चुके हैं क्योंकि हमने इनको 25 से 30 मिनट आराम से पकाया है मीडियम और हाई फ्लेम पे। और अब ये पक चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर और थोड़ी देर ठंडा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोकोनट कुकीज़ को हमने दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे क्योंकि जब ये बिल्कुल गर्म होती हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। थोड़ी देर बाद जब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं तो ये अपना आकार ले लेती है और एक बढ़िया हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो जाती हैं। तो अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो कोकोनट कुकीज़ हैं बनके तैयार हो चुकी हैं। मैं इन्हें आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया कुकीज़ बनके तैयार हुई हैं हमारी। ये देखिए, बिल्कुल फ्लफ़ी सॉफ्ट और एकदम बढ़िया कुकीज़ बनके तैयार हुई हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।